विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस तौर पर, खास तौर पर इस चर्चा के अंदर, और मैं सीधा एक्सक्लूसिवली उनका रुख कर सकता हूं। पहली बार नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसले पे बोल रहे हैं, पीएफआई की बड़ी कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश के अंदर भी पीएफआई के खिलाफ, लेकिन यह आरोप भी लग रहे हैं कि पीएफआई से जुड़े की जड़ें काफी पहले से जमी हुई थी और जमी हुई थी, पर कार्रवाई देर से हुई, देर से कार्रवाई हुई है। नरोत्तम मिश्रा, गिरफ्तारी हुई है तो जड़ें जमाई नहीं है, जड़ जमाने की कोशिश है और हर कोशिश को हमने नाकाम किया है, चाहे वो चोरी वाले के रूप में हो, चाहे खरगोन दंगे के रूप में हो, चाहे अभी जी हो। जी हम इनको जड़े नहीं जमाने देंगे। हमने मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क समाप्त कर दिया, सिमी अब इतिहास की वस्तु हो गई, आज के बाद पीएफआई भी इतिहास की वस्तु होगा। 25 लोग हिरासत में हैं, बहुत जल्दी इनकी जो स्लीपर सेल है वो भी हिरासत जी जी। मेरा अगला सवाल, आरएसएस की तुलना पीएफआई से की जा रही है, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, आरएसएस पर भी बैन की मांग कर रहे हैं, योर रिएक्शन? मैं कहता हूं मुझे संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। अच्छा। ये सपा और कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि हमें पीएफआई का सदस्य होने पर गर्व है, हम पीएफआई के सदस्य बनेंगे? इतने का सवाल का अगर वो जवाब दे देंगे तो आप उनको अर्थ समझ में भी आ जाएगा। संघ से तुलना ये क्या करेंगे? आरएसएस या संघ हमारा एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है, ये पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। अब कैसे तुलना होगी दोनों बातों की? जी, गांधी परिवार के बेहद करीबी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो आरएसएस को पीएफआई, आरएसएस और पीएफआई को एक ही थैले का चट्टा बट्टा कह रहे हैं, योर रिएक्शन? नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह ने तो जाकिर नाइक को शांति दूत कहा था जी, इससे उनकी सोच उजागर नहीं होती है? दिग्विजय सिंह ने सेना पर सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। स्वाभाविक रूप से बटाला हाउस की बात करने वाले दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो क्या संघ से तुलना करेंगे? वो तो कांग्रेस हर जगह अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए संघ पे आरोप लगा के चर्चा में आना चाहते हैं। वो एक और है, एक और है, असाउद्दीन ओवैसी, उनका कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैंने सुना उनको वो जान पूछ के हिंदू मुसलमान लाना चाहते हैं ओबीसी जी। जी, वो अपराधी को अपराधी नहीं मानते, वो आतंकवाद को आतंकवादी नहीं मानते, वो इनकी आड़ में मुसलमान ले आते हैं कि कैसे भी हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो। अरे भाई, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ऐसी हमारी मान्यता है, पर ओबीसी ने जान पूछ के उसमें मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, मैंने सुना उनको, जो ठीक नहीं है, जो गलत है। जी, पीएफआई हो, उसके आईएसआई से कनेक्शन मिले हो, उसमें केरल में हत्या में उसका हाथ देता है, कर्नाटक की हत्या में, उड़ीसा की हत्या में, तमिलनाडु की रिपोर्ट में, ये जो भारत का राजपत्र है, इस राजपत्र के अंदर उल्लेख है उन चीजों का, प्रकाशित हुआ है। अगर उनको लग रहा है तो वो तो वकीले बड़े न्यायालय में लगाए ना, प्रमाण आएंगे वहां पे सामने, क्यों नहीं लगाते? जान पूछ के ये विभाजनकारी राजनीति जो वो करते हैं, एक वर्ग एक जाति की राजनीति तक ही सीमित है ओबीसी जी, देश का सोच कभी उनकी आंख से निकला ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के एक और नेता है राशिद अल्वी, वो इसको गुजरात चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने बोला ये खेल सारा गुजरात चुनाव से पहले हो रहा है क्योंकि चुनाव है इसलिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मिस्टर मिश्रा? नरोत्तम जी, देखो, चुनाव के चश्मे से राशिद अल्वी जी देखें या कोई और देखते हो, हम लोग इसको चुनाव के चश्मे से नहीं देखते। धारा 370 हटाई तब कौन सा चुनाव था, आप सोच के बताओ? 35A हटाई तब कौन सा चुनाव था? CAA लाए तब कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटाया तब कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था दूर दूर तक। चुनाव को ध्यान में रखकर चूंकि ये दल काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को ध्यान में रखा, बिल्कुल आखिरी दौर है, समाज सेवा को ध्यान में रखा है, कानून के दायरे को ध्यान में रखा है, न कि चुनाव को ध्यान में रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, चुनाव बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए आर पार में न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, लेकिन पीएफआई की लंका दहन हो रही है और देश में इस बात का जश्न है आम लोगों में, क्योंकि पीएफआई एंटी इंडिया संगठन था। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।